हेलो फ्रेंड्स, रत्नामी चाय के में आपका वेलकम है। फ्रेंड्स, केक तो हम घर पर बना लेते हैं लेकिन आइसिंग नहीं बना पाते हैं, तो आज मैं आपके साथ घर पर आइसिंग बनाने की आसान रेसिपी टिप्स और ट्रिक के साथ लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो आइसिंग एकदम आपकी परफेक्ट बनेगी। फ्रेंड्स, ये मैंने ट्रोपोलाइट व्हिप्ड क्रीम लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। आप इसके अलावा दूसरी ब्रांड भी यूज़ कर सकते हैं, अमूल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्हिप्ड क्रीम को आप फ्रीज़र में रखें, मतलब जिस जगह पर आप बर्फ़ जमाते हैं उस जगह पर रखें, इसमें बर्फ़ अच्छे से आ जानी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो व्हिप्ड क्रीम है ये लॉन्ग टाइम तक चलेगी, और अगर आप इसे फ्रीज में रख देंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये मैंने एक कप व्हिप्ड क्रीम ली है, ये कप 200 ml का है। तो मैं आपको अभी थोड़ी सी ही आइसिंग बनाकर बता रही हूँ। अगर आप केक के लिए बना रहे हैं तो आप 300 ml व्हिप्ड क्रीम लें, मतलब 1.5 कप आपको व्हिप्ड क्रीम लेना है। आपको इसे जब भी यूज़ करना है तो आप फ्रीज में इसे एक घंटा पहले इसे बाहर निकाल लें। व्हिप्ड क्रीम को हम एक बर्तन में डाल देंगे। अगर आप एक कप से कम व्हिप्ड क्रीम लेते हैं तो आपकी आइसिंग प्रॉपर नहीं बनेगी, इसलिए आपको एक कप तो व्हिप्ड क्रीम लेना पड़ेगी। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो मैं बर्तन में पानी डाल रही हूँ ये बर्फ़ का पानी है, मतलब एकदम ठंडा पानी होना चाहिए। और इसमें हम व्हिप्ड क्रीम का बर्तन रख देंगे, मतलब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि व्हिप्ड क्रीम बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, ये एकदम ठंडी रहना चाहिए। जितनी आपकी व्हिप्ड क्रीम ठंडी रहेगी उतनी अच्छी आपकी आइसिंग बनेगी। आइसिंग बनाने के लिए ये मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया है, आप चाहें तो हैंड बीटर से भी आप बना सकते हैं, लेकिन ये घंटों का काम मिनटों में कर देती है, मतलब बहुत जल्दी इससे आइसिंग बन जाती है। अगर आप हैंड बीटर से बनाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपके हाथ दुखने लगेंगे। तो सबसे पहले हम इसे फर्स्ट स्टेज पर चलाएंगे। अभी स्विच 0 पर है, मतलब मशीन बंद है, तो हम इसे 1 पर चलाएंगे, मतलब जब तक व्हिप्ड क्रीम हल्की सी गाढ़ी नहीं हो जाती तब तक हम इसे 1 पर ही चलाएंगे। बीटर को आप हाई पावर पे नहीं चलाएं, अगर आप इसे हाई पावर पे चलाएंगे तो बीटर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो आप इसे 1 पर ही चलाएं। अगर आपको लगता है कि बीटर गर्म हो रहा है तो आप इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दें। बीटर गर्म हो गया है तो मैं इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी। फ्रेंड्स, आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि बीटर जैसे ही गर्म होने लगे तो आप इसे बीच बीच में रेस्ट के लिए ज़रूर रखें। अगर आपने इस तरीके से एक बार आइसिंग बना ली तो आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे। हमसे क्या होता है कि कुछ छोटी छोटी गलतियां होती है जो हम जिस बात पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आज मैं आपको वही तरीका बता रही हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो व्हिप्ड क्रीम है वो गर्म बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर ये गर्म होगी तो मेल्ट होने लगेगी और प्रॉपर ये जो इसकी कंसिस्टेंसी है, थिकनेस है, वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। मतलब हमें बिल्कुल इसे मार्केट जैसा बनाना है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि क्रीम को बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना। और मेन चीज़ जो हमने नीचे बर्फ़ का पानी रखा है, आपको उसका भी ध्यान रखना है कि आप उसे बीच बीच में चेक करते रहें कि वो कहीं गर्म तो नहीं हो गया है। अगर वो पानी गर्म हो गया है तो आप उसमें थोड़ी थोड़ी करके बर्फ़ की क्यूब्स डाल सकते हैं। ये देखिए, पहले से क्रीम काफ़ी गाढ़ी हो गई है। अभी बीटर बहुत ज़्यादा मेरा गर्म हो गया है, इसलिए मैं इसे 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दूँगी। क्रीम थोड़ी गाढ़ी हो गई है तो अब मैं बीटर को 5 नंबर पे चलाऊंगी, मतलब हाई पावर पे चलाऊंगी। इससे आइसिंग बहुत जल्दी बन जाएगी। ये देखिए, पहले से क्रीम और गाढ़ी हो गई है और बीटर भी गर्म हो गया है, तो इसे मैं 5 मिनट रेस्ट के लिए रख दूंगी।
नीचे जो हमने बर्तन में पानी बर्फ वाला रखा था वो पहले से गर्म हो गया है, तो इसमें मैं बर्फ की क्यूब्स डाल दूंगी ताकि जो हमारी व्हिप्ड क्रीम है वो एकदम चिल्ड रहे। बीटर को वापस 5 नंबर पर मतलब हाई पावर पर ही हम इसे चलाएंगे। ये देखिए क्रीम पहले से और गाढ़ी हो गई है। फ्लेवर के लिए आप इसमें 1 बड़ा चम्मच वेनिला एसेंस डाल सकते हैं। मैं इसे प्लेन बना रही हूँ इसलिए नहीं डालूंगी, और मेरा व्हिप्ड क्रीम ऑलरेडी मीठा है इसलिए मैंने इसमें शक्कर नहीं डाली है। अगर आपका व्हिप्ड क्रीम मीठा नहीं है तो आप इस स्टेज पर 1/2 कप शक्कर का बुरादा डाल दें। इसे 2 मिनट के लिए और चला लेंगे। ये देखिए हमारी आइसिंग बनकर तैयार हो गई है। लेकिन हमें ये कैसे पता चले कि हमारी आइसिंग बनकर तैयार हो गई है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताऊंगी। ये देखिए बीटर में से बिल्कुल भी क्रीम नहीं गिर रही है और 1 कप से कितनी सारी हमारी क्रीम बनकर तैयार हुई है। क्रीम को आप जैसे ही उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा, ये इसकी खास पहचान है। आइसिंग को बनाने में मुझे 25 से 30 मिनट लगे हैं और ये एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए आप इस तरह से अलग अलग तरह से इसकी डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आप कलरफुल डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप अपनी मनपसंद का फूड कलर भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह से अलग अलग तरह से डिज़ाइन कपकेक में पेस्ट्रीज में बना सकते हैं। और ये देखिए कपकेक पे भी आप इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं।